हे गाइस, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे 5 रीजन के बारे में जिसके कारण माया नगरी एज इंडियन गेम फेल हुआ है। और ऑल्सो एक और न्यूज है जो कि इसके डेवलपर मयूर ने हमारे साथ शेयर की है कि अभी पिक्चर बाकी है, मतलब कि एक नया गेम भी आने वाला है। तो वीडियो में बने रहो, आगे क्लियर करता हूँ क्या सीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं ये कहना चाहूंगा, आई नो ये गेम पैसे की दिक्कत से जो है बंद हुआ है, राइट, पर आई थिंक इसमें डेवलपर की भी गलती है कि जो रिलीज डेट होती है उसे बहुत ज्यादा ही खींचा गया है। अब देखो, इफ अगर तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि जो अपना गेम है 2023 में आ जाएगा, तो मतलब वो आना चाहिए इफ अगर तुम उसे 100% कह के दे रहे हो, ठीक है। ये तो मेरे को काफी बड़ा रीजन लगता है जिसकी वजह से गेम को फंडिंग नहीं मिली है। एक ब्रांड गेम में पैसे डालने से पहले 100 बार सोचता है कि गेम ग्रो करेगा कि नहीं, डेवलपर अपने प्रोमिसेस वगैरह को पूरे कर पा रहे हैं कि नहीं। और मैं अगर मार्केटिंग की बात करूं तो वो भाई स्टार्टिंग में तो काफी अच्छी ठीक ठाक चल रही थी, और उसके कुछ मंथ बाद ही ये जो मार्केटिंग का जो खेल होता है ना, वो पूरा बंद ही कर दिया गया है। और वन मोर रीजन की ये जो इंडस्ट्री है उसका कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई है। अब मान लो कि ये जो माया नगरी गेम है मोबाइल में नहीं पीसी में रिलीज होता तो कोई भी बंदा इसे हाथ तक नहीं लगाता, ट्राई भी नहीं करता, चाहे इंडियन गेम है चाहे फॉरनर गेम है, क्योंकि पीसी में तुम्हें काफी तगड़े हाई ग्राफिक वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड मोबाइल में भी ऐसे ओके रखा है जैसे कि न्यू आरपी, GTA ट्रायोलॉजी, नेटफ्लिक्स के काफी सारे GTA जैसे गेम्स, और उनके जो ग्राफिक है वो भी काफी अच्छे हैं। और नाउ गाइस, ये काफी बड़ा मेजर रीजन है जिसकी वजह से डेवलपर में भी इसे शट डाउन कर रहे हैं कि गाइस ये जो ओपन वर्ल्ड गेम है इसे पैसे वगैरह या फिर एक एफिलिएट इनकम जनरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कि बंदा अपनी गेम में एड वगैरह नहीं चला सकता, फालतू की इमेज डाउन होगी, प्लस जो अपना परफॉर्मेंस है लोगों का वो भी डाउन चला जाएगा। और ऑल्सो ये तुम्हारे लिए फ्री में रिलीज होने वाला है। अब बचा इन ऐप परचेज, इसमें डेवलपर गाड़ियों की स्किन दे सकते हैं, क्लॉथ्स वगैरह दे सकते हैं जैसे तुम असली पैसे देकर बाय कर सकते हो, जो कि एक ओपन वर्ल्ड गेम में भाई काफी कमी दिखता है। मैं तो भाई परचेस नहीं करूंगा, सीधी बात है, क्योंकि भाई एक ओपन वर्ल्ड गेम में मेनली हमें एक एक्सप्लोर करना रहता है, मिशन वगैरह स्टोरी को कंप्लीट करना है, दैट्स इट। तो काफी सारे जो पैसे कमाने के सोर्सेस है डेवलपर के हाथ से निकल गए हैं। और फंड न मिल पाने के कारण डेवलपर के साथ काफी सारी चीजें हुई है जिसकी वजह से टीम बिखर चुकी है। आई नो, मुझे याद है आज से 4 महीने पहले मैंने डेवलपर को फोन किया था, तो उन्होंने हाइपरनोवा इंटरएक्टिव को पहले ही छोड़ दिया था एंड काफी सारे जो है डेवलपर छोड़ जा रहे थे। और इसके जो को-फाउंडर है हुज़ैफ़ा, उन्होंने भी गेम को छोड़ दिया है। सीरियसली, क्या चल रहा है यार ये। और तुम्हें फंडिंग वगैरह का तो पता ही होगा कि जो डेवलपर है उन्हें राइट टाइम पे पैसे नहीं मिले तो गेम को शटडाउन कर दिया गया है। और यूनिटी इंजन के जो रेट्स वगैरह है उन्हें काफी ज्यादा हाई कर दिया गया था, एंड उसी सॉफ्टवेयर में ये जो गेम है क्रिएट किया जा रहा था और उनका जो रेट था भाई वो तो आसमान को छू रहा था। तो डेवलपर को इस इंजन को क्विट करना पड़ा और एक नए इंजन से शुरुआत करनी पड़ी, जिससे उनका टाइम और ज्यादा वेस्ट हो गया। और कई सारे लोग कहते हैं ना कि अपना इंडियन गेम है सपोर्ट करो, तो तुम्हारा इंडियन गेम कहां गया। चलो कई बार होता है ना, दिल से अपना इंडियन गेम है, चलो फंडिंग नहीं मिल रही है, ऐसे मैं कर देता हूं, कोई नहीं आगे जाके निपट लेंगे। मैं ये कोई नॉर्मल लोगों से नहीं कह रहा हूं, मैं इंडियन डेवलपर से कह रहा हूं, ठीक है। और बाकी अपने गेम को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी भाई मिलियंस ऑफ डॉलर ऐसे ही बहा दिए जा रहे हैं, और गेम तो भाई खेलने लायक ही नहीं है। बाकी जो अपने माया नगरी का नया वर्जन है उसे टीज किया था मयूर ने कि भाई अभी पिक्चर बाकी है। और जब वो ITDC में गए थे ना सैन फ्रांसिस्को वाला, तो वहां पे हमें माया नगरी नहीं माया सिटी करके गेम दिखा था। तो हाँ, हो सकता है भी आगे जाके तुम्हें माया सिटी करके गेम कुछ खेलने को मिले, है ना, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा तुम वेट करो, इससे बढ़िया तुम ये वीडियोस वगैरह देख सकते हो। और इफ अगर कोई अपडेट आता है श्योरली मैं वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। और सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर सकते हो वीडियो को। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, बाय।